नमस्कार और आपने लॉग इन किया है रेसलिंग न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज WWE रेसलमेनिया 35 का आगाज हो चुका है। यहाँ पर कई मज़ेदार चीज़ें देखने को मिली और इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेसलमेनिया 35 के किक ऑफ शो के हाईलाइट्स रिजल्ट्स को। तो किक ऑफ शो की शुरुआत टोनी नीश वर्सेज बडी मर्फी WWE क्रूजर वेट चैंपियनशिप मैच से हुई और यहाँ पर टोनी नीश पहली बार क्रूजर वेट चैंपियन बने, जिसके बाद हुआ रेसलमेनिया विमेंस बैटल रॉयल और यहाँ पर सबको उम्मीद थी कि अशोका यह मैच जीतेगी, लेकिन यहाँ पर कार्मेला ने शानदार जीत दर्ज की। और फिर स्कॉट डॉसन डैश वेल्डर वर्सेज जैक राइडर और कर्ट हॉकिंस का रॉ टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला और इस मैच में तो कमाल ही हो गया। कर्ट हॉकिंस ने आज से पहले करीब 270 मैच हार चुके थे और एक भी मैच में जीत दर्ज नहीं की थी और यहाँ पर उन्होंने अपनी इस हार की स्ट्राइक को तोड़ते हुए रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को अपने नाम किया। और जिसके बाद हुआ आंद्रे द जॉइंट मेमोरियल बैटल रॉयल और 30 सुपरस्टार्स के बीच हुआ ये बैटल रॉयल। वैसे तो हर बार काफ़ी लंबा चलता है, लेकिन इस बार ये मैच काफ़ी छोटा था और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने जीत दर्ज की। तो गाइस जिसके बाद शुरुआत हो जाती है रेसलमेनिया 35 के मेन शो की, जिसके रिजल्ट्स को दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा जो कि जल्दी हमारे इस चैनल पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो गाइस रेसलमेनिया से जुड़ी हर खबर पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। धन्यवाद।